बागपत में गंगा यमुना स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के अंतर्गत यमुना नदी के पक्का घाट पर आज घाट पर हाट मिलेट्स मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी राजकमल यादव व पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर किया। इस मौके पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लोगों का मन मोह लिया। बता दें घाट पर हाट मिलेट्स मेले में फूड फेस्टिवल, मोटे अनाज, इनसे निर्मित व्यंजनों एवं स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम व पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में गंगा जमुना को स्वच्छ बनाने को लेकर जो मुहिम छिड़ी हुई है उसी को देखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि प्रधानमंत्री का संदेश जन जन तक पहुँचाया जा सके। पक्के घाट को आज प्रोग्राम किया है, क्या ये प्रोग्राम है? देखिए पक्के घाट पे हम लोग आज तीन प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तो घाट पे हाट जो प्रोग्राम में हमारा जिला स्वच्छता समिति के माध्यम से, जिला गंगा समिति के माध्यम से श्री अन्न महोत्सव हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है, जहाँ पर हमारे जो श्री अन्न है जैसे कि बाजरा है, रागी है, चोलाई है जो हमारे यहाँ बहुत भरपूर मात्रा में होती है, रागी है, इस प्रकार के जो ऐसे अन्न हैं जिन्हें जो हमारे लिए बहुत पौष्टिक हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, इन अन्नों के प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए, उनकी क्या क्या महत्वता है, किस किस प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उनसे बन सकते हैं, उसकी जागरूकता लाने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ प्रोग्राम किया है। उसकी स्टॉल्स भी लगी हैं, हमारे बहुत सारी महिलाएं जो समाज से आई हैं, स्वयं सहायता समूह से आई हैं, स्कूलों से आए हैं, मिड डे मील के बच्चे आए हैं, मिड डे मील की रसोईयां आई हैं, उनका कुकिंग कम्पटिशन भी हो रहा है जिसके माध्यम से वो लोग स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि केवल बाजरे से बाजरे की रोटी नहीं बनती, बाजरे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हम लोग स्वादिष्ट तरीके से खा सकते हैं। ये सब हम लोग प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया और कल भी हमारे ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेंगे। इस प्रकार से एक मुख्यतः नदियों के प्रति जो एक अपनापन है, उनके प्रति जो एक हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको स्वच्छ रखने की, उनको साफ रखने के लिए, उनको गंदा ना करने की, स्वयं भी समाज में बाकी लोगों के को जागरूकता करने की भी, वो और श्री अन्न के प्रति जो हमारी एक समझ है उसको एक नया आयाम देने के लिए ये पूरा प्रोग्राम आज यहाँ आयोजित किया गया। डीएम साहब, जैसे गंगा यमुना स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है लगातार,